फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 के ड्रॉ आ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे अपने ग्रुप की सभी टीमों के बारे में। हमारे ग्रुप के अंदर जो टीमें हैं वो है कतर है, कुवैत है, इंडिया है और अफगानिस्तान और कंबोडिया में से एक टीम जो कि फर्स्ट राउंड में खेलेगी। फर्स्ट राउंड में इन दोनों से एक जो भी जीतेगी वो हमारे ग्रुप के अंदर आएगी। बाकी हमारे ग्रुप की बात की जाए, हमारे ग्रुप की सभी टीमों की बात की जाए, तो हमारे ग्रुप में जो सबसे टफ टीम है वो है कतर की टीम, और बाकी जो टीम है वो हमारी टीम इजीली उसको ले सकती है। जो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे खड़ी कर सकती है वो कतर की टीम है, जो तो कतर की टीम ही सबसे टफ टीम है हमारे ग्रुप के अंदर। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 के फॉर्मेट के बारे में, किस तरीके से ये फॉर्मेट होगा क्वालिफायर का। तो नवंबर से ये क्वालिफायर स्टार्ट होंगे, सेकेंड राउंड के मुकाबले स्टार्ट होंगे। तो ये तीन स्टेज के अंदर ये मुकाबले चलेंगे। पहला स्टेज का मुकाबला होगा नवंबर में, जो कि दो मैच खेले जाएंगे। फिर सेकेंड स्टेज का ये मुकाबला होगा मार्च के अंदर, उसमें भी दो मैच खेले जाएंगे। और थर्ड स्टेज का मुकाबला होगा जून के अंदर, जिसमें दो मैच खेले जाएंगे। तो टोटल 6 मैच मिलेंगे हर ग्रुप की टीमों को। तो हमारा जो मुकाबला होगा फर्स्ट स्टेज का, जो कि है 16 नवंबर को कुवैत फुटबॉल टीम के साथ। तो कुवैत के साथ हम पहले खेल चुके हैं सैफ कप के अंदर। तो सैफ कप के अंदर हमने कुवैत की टीम को हराया था फाइनल के अंदर। तो कुवैत की टीम ने हमें काफ़ी फाइट दी थी, एक्स्ट्रा टाइम में जाके हमारा मैच गया था, एक्स्ट्रा टाइम में जाके हमने उनको पेनल्टी शूट आउट में हराया था। कुवैत के साथ हमारा मैच टक्कर का होने वाला है, 50-50 का मैच होने वाला है, क्योंकि कुवैत के साथ हमारे दोनों ही मैच हुए हैं काफ़ी टक्कर के मैच हुए हैं। तो कुवैत के साथ जो हमारा पहला मैच होने वाला है काफ़ी टक्कर का मैच होने वाला है, क्योंकि कुवैत के होम में जाके हम मैच खेलेंगे, कुवैत के घर पे जाके हम मैच खेलेंगे। तो पहला ही मैच हमारा काफ़ी तगड़ा होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर। अगर हम पहले मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, पहले मैच में जीत हासिल करते हैं, तो हमारे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर आगे के जो मैचेस होंगे वो काफ़ी इजीली हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे मैच की। दूसरा मैच होगा जो कि हमारा 21 नवंबर को कतर की फुटबॉल टीम के साथ, क्योंकि ये मैच सबसे तगड़ा मैच होने वाला है, सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है हमारे ग्रुप के अंदर। जो कतर की टीम है सबसे तगड़ी टीम हमारे ग्रुप के अंदर कतर की टीम है, तो ये मैच हमारा सबसे तगड़ा मैच होने वाला है कतर की टीम के साथ। इंडियन ब्लू टाइगर वर्सेस कतर लॉयंस, ये मैच हमारा सबसे टफ मैच होने वाला है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का कतर की टीम के साथ। ये जो मैच होगा हमारे होम ग्राउंड के अंदर होगा, हमारे होम पर ये मैच होगा, तो हमारी इंडियन टीम को काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है इस मैच के अंदर हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस का। कतर फुटबॉल की टीम के साथ हम पिछले वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर मैच खेल चुके हैं, जिसमें हमारी टीम ने उसके खिलाफ ड्रॉ खेला था। दो मैच खेले थे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर हमने, उसमें एक में हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ता 1-0, और दूसरा मैच जो होता उसमें हमारी टीम ने ड्रॉ खेला था कतर की टीम के साथ। तो कतर की टीम को हमने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में काफ़ी टक्कर दी थी उस मैच के अंदर, मगर उस टाइम हमारे प्लेयर काफ़ी मेच्योर नहीं थे। मगर अब हमारी इंडियन फुटबॉल टीम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है, हमारे लड़के काफ़ी अच्छे हो गए हैं पहले के मुकाबले, और फिजिकल और टेक्निकल हमारी टीम काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और हमारे टीम में वो एबिलिटी है कि हमारी टीम कतर की फुटबॉल टीम को टक्कर दे सकती है। रिसेंट में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है, हमने लगातार बैक टू बैक तीन टूर्नामेंट जीते हैं। तो 5 साल पहले हमारे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो कतर के अंदर जो टीम थी वो अब काफ़ी चेंज हो चुकी है, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम काफ़ी आगे निकल चुकी है। अब हमारी इंडियन फुटबॉल टीम टेक्निकल और टैक्टिकल काफ़ी मजबूत हो चुकी है। तो कतर के अगेंस्ट इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर हमारी इंडियन फुटबॉल टीम कतर की टीम को काफ़ी टक्कर देने वाली है। तो हमारे ग्रुप के अंदर जो ये मैच होने वाला है कतर वर्सेस इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 का, तो ये सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है हमारे ग्रुप के अंदर। उसके बाद हमारे सेकेंड स्टेज के मुकाबले शुरू होंगे, जो कि शुरू होंगे मार्च के अंदर। 21 मार्च को पहला मुकाबला होगा हमारा, और दूसरा मैच होगा हमारा 26 मार्च को। तो ये दो टीमें होगी हमारे सामने, अफगानिस्तान और कंबोडिया में से दोनों में से एक टीम मिलेगी हमें इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेकंड राउंड के अंदर। कंबोडिया और अफगानिस्तान अभी फाइनल नहीं हुई है कि कौन सी टीम सेकंड राउंड के अंदर खेलेगी, तो ये फर्स्ट राउंड के अंदर ये दोनों टीमें अपना मैच खेलेगी। जो भी टीम जीतेगी वो सेकंड राउंड के अंदर क्वालिफायर कर लेगी। तो ये दोनों में से टीमें एक होगी जो कि हमारे ग्रुप के अंदर आएगी। तो हमारी टीम का मुकाबला 21 मार्च को और 26 मार्च को इन्हीं दोनों टीमों से एक से मुकाबला होगा। तो
इन दोनों टीमों की बात की जाए तो इन दोनों टीमों के साथ हमारी टीम खेल चुकी है एशियन कप क्वालिफायर के अंदर। तो कम्बोडिया और अफगानिस्तान को हमने एशियन कप क्वालिफायर के अंदर हराया था जो कि पिछले साल हुआ था। तो हम इन ये जो दोनों टीमें हैं तो हम इनको इजीली हरा सकते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर। अगर हम दोनों मैच इन दोनों टीमों से जीतते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये हमें आगे फायदा देंगे। तो हमारे लिए इन दोनों टीमों को हराना बहुत जरूरी है और हमें ये दोनों मैच जीतना भी बहुत जरूरी है अगर हमें थर्ड राउंड के अंदर क्वालिफाई करना है। अब उसके बाद सेकंड स्टेज के मुकाबले शुरू होंगे जो कि शुरू होंगे जून के अंदर, जो कि है पहला मुकाबला होने वाला। तो 6 जून को जो हमारा मुकाबला होने वाला है कुवैत की टीम के साथ होने वाला है और हमारे ही होम ग्राउंड के अंदर होगा। तो काफी एडवांटेज मिलने वाला है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को कुवैत के अगेंस्ट मैच के खिलाफ, क्योंकि हमारा पहला मैच जो कुवैत के अगेंस्ट होगा वो उनके होम ग्राउंड पे होगा और दूसरा जो अब हमारा थर्ड स्टेज का मुकाबला होगा कुवैत के साथ 6 जून को। तो हमें काफ़ी एडवांटेज मिलेगा अपने होम ग्राउंड के अंदर अपने होम सपोर्ट का, जैसे हमने सैफ कप के अंदर अपने होम ग्राउंड के अंदर कुवैत की टीम को हराया था। हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस का काफ़ी सपोर्ट था, तो इसी फैंस का सपोर्ट मिलेगा हमारे होम ग्राउंड के अंदर कुवैत के अगेंस्ट। अगर हम कुवैत के अगेंस्ट हमारी टीम जीत हासिल करती है तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, हमें थर्ड राउंड में जाने के लिए एक आसान और इजीली रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा मुकाबला होगा जो कि है कतर की टीम के साथ 11 जून को। तो 11 जून को जो हमारा मुकाबला होने वाला है वो कतर के खिलाफ, वो उनके होम ग्राउंड के अंदर होगा। तो काफ़ी तगड़ा मुकाबला होगा कतर के अगेंस्ट, हमारा आखिरी मुकाबला होगा। तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है इंडियन फुटबॉल टीम को, क्योंकि उनके घर पे जा कतर के घर पे जाके हम ये मैच खेलेंगे और ये मैच हमारे कतर के अगेंस्ट थोड़ा फ्लैशबैक की ओर ले जाएगा, जो कि पिछले फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 के अंदर हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का मैच हुआ था कतर के अगेंस्ट, तो जिसमें हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा था एक मैच के अंदर और एक मैच में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने ड्रॉ किया था। तो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने काफ़ी फाइट दी थी कतर की फुटबॉल टीम को, जिसमें हमारी टीम को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था, उसमें हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को 10 प्लेयरों के साथ खेलना पड़ा था। तो कतर की टीम को अभी कुछ याद होगा कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने पिछले फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर कतर की टीम को काफ़ी फाइट दी थी, उन्हीं के होम ग्राउंड में जाके इंडियन फुटबॉल टीम ने काफ़ी तगड़ी फाइट दी थी, काफ़ी टक्कर दी थी। और आज जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम है काफ़ी बदल चुकी है, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है, काफ़ी आगे निकल चुकी है और टेक्निकल और टैक्टिकल हमारे प्लेयर काफ़ी जबरदस्त हो चुके हैं। कतर की टीम को भी थोड़ा प्रेशर होगा अपने होम ग्राउंड में मैच का, उसे भी थोड़ा अपने माइंड के अंदर याद होगा क्योंकि पिछले फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर इंडियन फुटबॉल टीम ने काफ़ी तंग किया था कतर की टीम को। उसके अगेंस्ट हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के 2 मैच हुए थे जिसमें दोनों ही मैच में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने काफ़ी फाइट दी थी कतर की टीम को। 2 मैच खेले थे हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने जिसमें हमारी टीम ने एक में ड्रॉ खेला था और एक में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों ही मैच में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने कतर को फाइट दी थी। एक मैच में जिसमें हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा था, उस मैच में हमारी टीम को 10 प्लेयरों के साथ खेलना पड़ा था क्योंकि उसमें हमारे एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया था और हमारी टीम को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था। तो कतर की टीम को भी अपने माइंड में थोड़ा याद होगा, उसी को सोच के वो मैदान पे उतरेंगे इंडियन टीम के सामने, क्योंकि अब इंडियन फुटबॉल टीम काफ़ी ग्रो कर चुकी है। जो पिछले 5 साल पहले हमारी इंडियन फुटबॉल टीम थी, अब 5 साल बाद कतर के अगेंस्ट इंडियन फुटबॉल टीम काफ़ी आगे निकल चुकी है। तो काफ़ी टक्कर का मैच होने वाला है इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर, आखिरी स्टेज का मुकाबला काफ़ी टक्कर भरा रहने वाला है हमारा कतर के अगेंस्ट। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।